11 साल के एक बच्चे ने मृत्यु से पहले अपनी माँ से कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। तस्वीर में सभी डॉक्टर उस बच्चे को सम्मान दे रहे हैं क्योंकि इस बच्चे ने बात ही कुछ ऐसी कह दी थी। दरअसल इस बच्चे का नाम लियांग योई है, जो कि चिंचिन चिंज नामक जगह पर रहता था। वह अक्सर अपने माता पिता से कहता था कि उसके सिर में दर्द होता है। तो उसके माता पिता ने जब डॉक्टर से इलाज करवाया तो उन्हें पता चला इस बच्चे को सिर्फ 11 साल की उम्र में ही ब्रेन कैंसर हो गया है, और डॉक्टरों को यह पता चला कि उसका ब्रेन कैंसर चौथी सीमा पर है और उसका बचना नामुमकिन है। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत रोने लगे। जब यह बात बच्चे को पता चली तो वह अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा और अपनी माँ से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जब सबको छोड़ कर जा रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माँ बहुत रोने लगी। फिर उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं आप सबके साथ नहीं रहूँगा, मेरे शरीर को जो भी अंग है उसे दान कर देना।